हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक और बहुत ही प्यारा वीडियो आप सबके लिए लेकर आई हूँ, जो कि कटिंग और स्टिचिंग से ही रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, अक्सर जब हम कुर्ती बनाते हैं या ब्लाउज बनाते हैं और उसमें अलग अलग तरह के गले बनाते हैं, जैसे कि हम डीप नेक तो जैसे कि हम देखिए डीप नेक भी बनाते हैं, कई बार हम इस तरीके से बोट नेक भी बनाते हैं और कई बार जो हम कॉलर वाले ब्लाउज या कुर्ती भी बनाते हैं। तो अलग अलग तरीके की स्टिचिंग हम करते हैं अपने ब्लाउज पर भी, कुर्तियों पर भी। तो जो हमारे बिगनर्स हैं, सीखने वाले हैं, वो अधिकतर कन्फ्यूज होते हैं कि किस तरह के गले में हमें कितने शोल्डर रखना चाहिए, या ये आप कुर्ती और शोल्डर दोनों पे इसी नाप को अपना सकते हैं। तो यही मैं आज आपको ट्रिक बता रही हूँ। बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ये वीडियो आपकी कटिंग और स्टिचिंग में आपकी बहुत हेल्प करेगा और आप अच्छी तरीके से अपने ब्लाउज, कुर्ती या जो भी आप स्टिच करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे आपके मेजरमेंट के हिसाब से, बिल्कुल फिक्स मेजरमेंट के हिसाब से सिल सकते हैं, बिल्कुल बुटीक स्टाइल और आपके नाप के अनुसार। तो फ्रेंड्स, अधिकतर लोगों को पता नहीं होता कि जब हम डीप नेक बना रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप नेक बना रहे हैं, तो उसमें हमें जो है शोल्डर यहाँ से हमें जो शोल्डर है वो कितने रखने हैं, या फिर कभी कभी जो है हम अभी जैसे कि आपको पता है कि बोट नेक चल रहा है, तो बोट नेक जो है लेंथ में कम होता है, तो उसमें हमें शोल्डर कितने रखने हैं, ये सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ। साथ ही अगर आप कॉलर वाली कुर्ती या ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें हमें शोल्डर कितने रखने हैं, ये भी आप जरूर ध्यान दीजिए। आज पूरा जो है ये सारा मेजरमेंट एक ही वीडियो में कवर कर रही हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आप एक बार देखिएगा, आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा कि आपको किस प्रकार के ब्लाउज या कुर्ती के गले के हिसाब से अपने शोल्डर कितने रखने हैं, कितनी इसकी लेंथ लेनी है और कितना नीचे से इसकी लंबाई लेनी, सारी आपको चीजें, एक एक जो छोटी छोटी बारीक चीजें हैं सारी मैं आपको बताऊंगी। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हम जो है देखिए डीप नेक बनाते हैं, तो डीप नेक गला जो है अधिकतर बहुत लोग जो है देखिए, जैसे कि डीप नेक गला है, ये मैंने 9 इंच ले लिया है और यहाँ से गला मैंने ले लिया है तकरीबन 2.5 इंच। ये देखिए मैंने 2.5 इंच ले लिया है और यहाँ से जब हम डीप नेक बनाते हैं तो हो सकता है आप 9 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। तो बहुत सारे लोग 9, 10 या 11, 12 इतना भी डीप नेक पहनते हैं। तो जब हम डीप नेक ब्लाउज बनाते हैं तो अधिकतर जो हमारा डीप नेक ब्लाउज है, अगर आपने यहाँ से जो शोल्डर हमारे हैं अगर बहुत ज्यादा ले लिए, तो आपका ये जो डीप नेक ब्लाउज है ये यहाँ कंधे की तरफ से नीचे को खसकता है। तो ये प्रॉब्लम आपकी कभी नहीं होगी, आपको शोल्डर हमेशा इसमें, इस डीप नेक में हमेशा हमें शोल्डर यहाँ से कम रखने हैं। तो देखिए, इसमें मैंने जो शोल्डर है वो सिर्फ 5 इंच ही रखे हैं। ये चीज, यहाँ से यहाँ हमें शोल्डर 5 इंच रखने हैं, क्योंकि जब गला हमारा बहुत ज्यादा डीप होता है तो ये गले की तरफ से उतरने लगता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप जो है डीप नेक बना रहे हैं तो आप जो है यहाँ से 5 इंच रखिए, नीचे की तरफ से 5.5 ले लीजिए, इसको सीधा कर दीजिए और यहाँ से आप जो है गला, गले का यहाँ से आप इस तरीके से शोल्डर लगा लीजिए। तो ये हमारे शोल्डर यहाँ से हमें हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हमारा देखिए डीप नेक होगा, 9, 8, 9, 10, 12 जितना भी आप ले रहे हैं, यहाँ से जितना भी डीप ले रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ हमें कपड़ा कम रखना है, जिससे हमारा कपड़ा जो है वो यहाँ शोल्डर की तरफ से, गले की तरफ से नीचे ना खसके। अब दूसरी बात, जब भी हम जो है देखिए थोड़ा सा यहाँ पर अगर बोट नेक बना रहे हैं, तो बोट नेक अधिकतर यहाँ से देखिए चौड़ाई होती है 3.5 और यहाँ से नीचे से तकरीबन 4 इंच होता है। तो शोल्डर देखिए कुछ इस तरीके से बनता है, जो बोट नेक ब्लाउज है उसकी जो है चौड़ाई कम होती है, यहां से इसकी चौड़ाई जो है बढ़ जाती है कुछ इस तरीके से। तो देखिए, जब हम बोट नेक बनाते हैं तो यहां से हमारी थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ जाती है और नीचे की तरफ से ये गहराई कम होती है। अब इसमें हमें शोल्डर कितने लेने हैं, तो जब भी हम बोट नेक बनाते हैं या कम गहराई वाला गला बनाते हैं, इसमें हमें हमेशा जो हमारे शोल्डर है उन्हें ज्यादा रखना है। तो इसमें हम जो है तकरीबन 6 इंच तक या 6.5 इंच तक, 6.5 इंच तक हम इसमें शोल्डर ले सकते हैं। देखिए, आप 6 भी रख सकते हैं, 6.5 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें लेना है और यहीं से हमें जो है हमारे शोल्डर का इस तरीके से निशान लगा देना है। तो ये हमारा देखिए
दूरी वाला जितना छोटा गला रहेगा उतना हमारा शोल्डर ज्यादा होगा, और जितना गला हमारा डीप होगा ज्यादा होगा उतने ही हमारे देखिए ये शोल्डर कम होंगे। इसके बाद बात आती है एक और प्रकार के गले की, जिसमें कि जो है हम कॉलर बनाते हैं। तो कॉलर वाले ब्लाउज में हम यहाँ से तो 2.5 या 3 इंच ही लेते हैं, लेकिन यहाँ से जो गहराई है हम तकरीबन 1 इंच ही लेते हैं, और इसको इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से मिला देते हैं। अगर आप कॉलर वाला बना रहे हैं तो कॉलर वाले ब्लाउज में सबसे कम इसकी जो है पीछे से गहराई होती है तकरीबन 0.5 या 1 इंच की होती है। तो कॉलर वाले में हमेशा हमें जो हमारे शोल्डर है वो हमेशा ज्यादा ही रखने होते हैं। तो शोल्डर हम इसमें चेस्ट के हिसाब से रखते हैं। अगर आपका 34, 35, 36 है तो आप इसमें 7.5 आराम से जो है शोल्डर रख सकते हैं, 7.5 इसमें मैक्सिमम होते हैं। अगर इससे ज्यादा कोई है, किसी का चेस्ट साइज 40 है तो आप उसमें 8 इंच रख सकते हैं, 1 इंच आप इसमें और बढ़ा दिए, 1/2 इंच और बढ़ा दीजिए। तो इस तरीके से जो है हम हमारे शोल्डर यहाँ से लंबाई में रखते हैं। तो ये आपने देख लिया। देखिए इसमें 3 प्रकार के मैंने गले के डिजाइन बनाए हैं और ये 3 तरह के इसमें शोल्डर के नाप भी आ चुके हैं। ये फर्स्ट वाला जो गला, ये गहरा गला है, इसमें देखिए शोल्डर मैंने कम रखे हैं। ये सेकंड वाला हमारा बोट नेक है, ये थोड़ा कम गहराई का है और इसमें मैंने थोड़े से शोल्डर बढ़ा दिए हैं। इसमें तकरीबन हमें 6 इंच ले लेना है या 6.5 इंच। इसमें अगर साइज ज्यादा बढ़ता है तो उसके हिसाब से हम 1/2 इंच कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है कॉलर नेक। तो कॉलर नेक में सबसे कम गहराई होती है गले में, इसलिए हमें शोल्डर भी ज्यादा रखने होते हैं। तो कॉलर नेक में आप 7.5 से 8 इंच आराम से रख सकते हैं, किसी भी साइज के लिए ये आपको आ जाएगा। तो ये सारी चीजें, बारीक चीजें जो थी मैंने आपको बताई। आपको बस एक चीज ध्यान रखना है कि गला जितना पीछे से बड़ा होगा, गहरा होगा, शोल्डर हमें उतने ही कम रखने हैं, और गला जितना पीछे से छोटा होगा या उसकी गहराई लंबाई कम होगी उतने ही हमें शोल्डर यहाँ पर ज्यादा रखने होंगे। तो ये एक ट्रिक आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप कोई भी कुर्ती कटिंग करते हैं, ब्लाउज कटिंग करते हैं, इसी मेजरमेंट के हिसाब से हम जो है शोल्डर, गले के हिसाब से ही हम शोल्डर रखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बिल्कुल पास से एक बार और बता दे रही हूँ कि गला जितना ज्यादा हमारा पीछे से डीप होगा, लंबा होगा, उतने ही हमें शोल्डर यहाँ से जो है कम रखने हैं। और देखिए जैसा कि ये लंबा गला है, इसमें हमें यहाँ तक सिर्फ 5 शोल्डर रखने हैं, यहाँ से हमें 5 इंच ही रखना है। उसके बाद बात आती है हमारे बोट नेक की। तो बोट नेक हमारा यहाँ से आप 3 या 4 इंच रखते हैं और यहाँ से इसकी लंबाई भी 3 या 4 इंच ही हो सकती है। तो इसमें हमें शोल्डर थोड़े से बढ़ा देने हैं। इसमें आप शोल्डर 6 से 6.5 इंच आराम से रख सकते हैं, बोट नेक में इजिली बिल्कुल सही इसका मेजरमेंट होगा। इसके बाद बात आती है हमारे तीसरे प्रकार के गले की, जो हमारा कॉलर वाला होता है। और कॉलर वाले गले में ही पीछे से सबसे कम इसकी गहराई होती है या लंबाई होती है। तो देखिए ये आप निशान देख रहे हैं, ये तकरीबन इस तरीके से कटता है, 1 इंच या 1/2 इंच पर इसकी गोलाई आती है। सबसे कम गहराई वाला कॉलर नेक का गला होता है, तो इसलिए हमें इसमें जो है हमारे शोल्डर ज़्यादा रखने पड़ते हैं। अगर आप 36, 34, 35 साइज का बना रहे हैं तो आराम से यहाँ से आप जो है इसकी लंबाई शोल्डर की यहाँ से 7.5 ले सकते हैं। अगर 36 इंच से ज़्यादा के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ से 1/2 इंच 1 इंच और बढ़ा सकते हैं, 8 इंच आप शोल्डर की लंबाई ले सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड आपको बहुत ही इजीली और क्लियरली समझ में आ गया होगा कि गला आप जितना बड़ा लेंगे शोल्डर आपके उतने कम होंगे, और गला आप जितना छोटा लेंगे शोल्डर आपके यहाँ से बढ़ जाएंगे। साइज के हिसाब से, गले के हिसाब से शोल्डर हमें बढ़ा देना है। गला अगर आपका बड़ा है बैक से, लंबा है, गहरा है, तो शोल्डर आप कम रखिए, और गला आपका ज़्यादा गहरा नहीं है, कम है, तो शोल्डर आपको यहाँ से बढ़ा देने हैं। तो यही इसकी एक जो है आसान ट्रिक है, आप इसको याद रखिए, आपके बहुत काम आएगी कटिंग और स्टिचिंग में। फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आपकी कटिंग और स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और निर्मला फैशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही प्यारे प्यारे कटिंग और स्टिचिंग के वीडियो पाने के लिए। साथ ही अगर आपके कोई कमेंट हो सिलाई से रिलेटेड, कटिंग स्टिचिंग से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप सबके कमेंट का जवाब दे सकूं। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।